उत्तर प्रदेश वाराणसी नमोघाटे काशी तामिल संगम 2023 कार्यक्रम उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज डिसेंबर 31 तारीख पर्यंत चलो यह कार्यक्रम। देशर दुईट गुरुत्वपूर्ण तथा प्राचीन शिक्षा केन्द्र तामिलनाडु एवं काशी मध्य बहुदिन पुराणा संपर्क को पुनः निश्चित करिबा हेउची एहि कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य। यह कार्यक्रम लक्ष्य हूँ दुई अंचल छात्र छात्री दार्शनिक व्यवसायी कारीगर कलाकार वर्गर लोकंकु एकाठी करिबा समानकर ज्ञान संस्कृति एवं सर्वोत्तम पेशा को बांटिबा एवं परस्पर अनुभूति शिखिबा पई एहा एक सुजोग प्रदान करिब। कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री तिरुकुरुल पुस्तक उन्मोचित करिछंती 13टी भाषा रे एहार अनुवाद करा जैछि। कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिथिले काशी एवं तमिलनाडु आमर संस्कृति एवं सभ्यतार कालचयी केन्द्र। गोटिए पटे काशी भारतर सांस्कृतिक राजधानी होइतबा बेले तमिलनाडु एवं तमिल संस्कृति हेउछि भारतर प्राचीनता एवं गौरवर केन्द्र। महोत्सव पई सहायता करितबारु शिक्षा मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार को अभिनंदन जणाइबा सहित आईआईटी मद्रास एवं बीएचयू परी केंद्रीय विश्वविद्यालय गुड़ी को धन्यवाद जणाइथिले प्रधानमंत्री। तमिल ऐतिह्यर संरक्षण एवं एहाको समृद्ध करिबा 130 कोटी भारतीय दायित्व बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। एहि कार्यक्रम रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश राज्यपाल केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत या तमिल में ओरे भारतम उन्नत भारतम की दृष्टि के साथ तमिल कार्तिक माह में पिछले साल हमने काशी तमिल संगमम की प्रथम संस्करण किया। आज से तमिल संस्कृति में मोरगोली महीने की प्रारंभ होता है, यानी मार्गशीर्ष की प्रारंभ होता है। आज इस पवित्र नमोघाट में काशी की नगरी में तमिल काशी संगमम की द्वितीय संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष तमिल संगमम 2022 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में कहा था अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और सामूहिकता प्रयास से पूरा होगा। वाराणसी इतिहास से भी पुराना है। एक ऐसी सिविलाइजेशन और कल्चरल कंटिन्यूम है जो संपन्न है, जो अद्वितीय है। गंगा की तट पर स्थित इस पवित्र शहर में ज्ञान दर्शन संस्कृति भाषा साहित्य कला और शिल्प सभी फले फूले हैं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।